हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन सोनल ब्लॉग्स। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल के पकोड़े। इसके लिए ये मैंने मूंग दाल ली है, ये ओवरनाइट सोक्ड है। और इसके लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए, जैसे कि ओनियन जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है, जिंजर जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है, गार्लिक, और ये दो मैंने चिली ली है। फ्रेंड, दाल और ये इंग्रेडिएंट्स को दोनों को मिक्सी में पीस लेंगे और इनका एक पेस्ट तैयार करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, मैंने जार के अंदर दाल डाल दिया है जो इस तरीके से है, और अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे अलग से और इंग्रेडिएंट्स का पेस्ट बनाएंगे अलग से, ठीक है। फ्रेंड, हमारा मूंग दाल का पेस्ट बन चुका है, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ हम दूसरा पेस्ट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अंदर हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं और अब इसका भी पेस्ट बना लेंगे। फ्रेंड्स, सेकंड पेस्ट हमने अपने दाल वाले पेस्ट में ऐड कर दिया है, वो कुछ इस तरीके से है। अभी मिक्स नहीं किया है, सॉल्ट ऐड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हल्दी पाउडर, ब्लैक पेपर, बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला यूज़ कर रहे हैं, रेड चिली पाउडर, ये कलर के लिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी दो ग्रीन चिली ऐड कर चुके हैं। और आपको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर ऐड कर रहे हैं। फ्रेंड, थोड़ा चटपटा बनाने के लिए हम इसमें चाट मसाला ऐड कर रहे हैं, MDH का है। अब इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। फ्रेंड, मूंग दाल पकौड़े का बैटर बनकर रेडी हो चुका है। कढ़ाई गर्म होने के लिए हमने रख दिया है, और जब ये गर्म हो जाएगी तो हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड कर रहे हैं, इतना ऑयल ऐड करेंगे कि अच्छे से हम अपने पकौड़ों को फ्राई कर सकें। फ्रेंड, पकौड़े फ्राई कर रहे हैं हम अपने। फ्रेंड, ये वन साइड फ्राई हो चुके हैं और अब हम इसे टर्न कर लेंगे। फ्रेंड, हमारे पकौड़े बनके रेडी हैं, अब हम इसे थोड़ा गार्निश कर लेते हैं और फिर हम इसे सर्व करेंगे। ये है रेडिश मूली, जैसे मैंने कद्दूकस कर लिया था, होममेड पुदीना चटनी, इसका वीडियो मैंने शेयर किया है, आप जरूर देखिएगा। अगर आपको हमारा रेसिपी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।